हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज चल रही है। टोटल हमने 1 से लेके 15 वीडियोस बनाए हैं इस सीरीज के अंदर, और ये है लास्ट सेकंड वीडियो, पार्ट 0, 1, 4, 14। इसके अंदर आपको क्वेश्चन थोड़ा डराना लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, बट इसका सॉल्यूशन काफ़ी छोटा है, काफ़ी स्मॉल है। बस आपको थोड़ा क्वेश्चन के पीछे की थियोरी पता होनी चाहिए, क्वेश्चन के पीछे का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, और क्या है कंसेप्ट वो आपको पता होना चाहिए, तो आप सॉल्यूशन एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ला सकते हो। अब मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ कि यहाँ पे पॉइंट ए दिया हुआ है 5, 6, पॉइंट बी दिया हुआ है -1, -4, और इनसे जोड़ने वाली एक लाइन सेगमेंट जो ग्राफ के ऊपर वाई एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ए बी है वो ग्राफ में वाई एक्सिस को कट कर रहा है, और कट करने वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड y। वैसे भी मैंने बताया था फॉर वाई एक्सिस एक्स 0 हो जाता है और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, और फॉर एक्स एक्सिस एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी और वाई 0 हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी ये जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, इसीलिए हमने इसको क्या ले लिया, इसका x वाला पॉइंट 0 ले लिया और y कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, हमें मालूम नहीं है, हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। साथ साथ में उन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को, इस लाइन सेगमेंट को 1:k रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, ए इज इक्वल टू 5 -6, बी इज इक्वल टू -1, -4, राइट, और यहाँ पे पॉइंट एम था, मैंने पॉइंट यहाँ पे दिखाया है, पॉइंट एम इज इक्वल टू 0 y, 0 y, यहाँ पे 1, ये रेशियो 1 दे दिया और ये रेशियो k दे दिया। ठीक है, अभी आपको k की वैल्यू भी फाइंड करनी है और y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। फिलहाल हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन में सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखो हमारे पास y की वैल्यू है नहीं तो हम y वाला पोर्शन सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है तो हम x वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, अब यहां से मैंने आपको सेक्शन फार्मूला में सिखाया था कि अगर आपको x ढूंढना है तो x का हमारे पास फार्मूला था x इज इक्वल टू m1x2+m2x1 डिवाइड बाय m1+m2। नाउ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है, इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्यों सिलेक्ट की, क्योंकि अगर मैं y लेता तो मेरे पास y की वैल्यू भी नहीं थी, साथ में मेरे पास m2 मीन्स k की वैल्यू भी नहीं थी, तो मैं कुछ फाइंड नहीं कर पाता क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू फाइंड करने के लिए बाकी सारी वैल्यूज होना जरूरी है, अगर दो वैल्यू नहीं होंगे तो आप दो में से कोई एक की वैल्यू भी फाइंड नहीं कर पाओगे। फिलहाल मेरे पास x की वैल्यू 0 थी तो मैंने x ही सॉल्व कर दिया तो मुझे k की वैल्यू मिल सकती है, और वैसे भी आपको क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ही बुलाया गया है। ठीक है, नाउ हमारा m1 ये 1 है और x2 इज इक्वल टू -1 प्लस m2 इज इक्वल टू k है और x1 इज इक्वल टू 5 है। m1+m2 1+k, आप इसको यहां पे लेके जाइए तो ये पूरी वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 × -1 -1+5k यहां पे चला गया, 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 5k, नीचे आ गया तो 1/5 इज इक्वल टू k, विच मीन्स ये हो गया आपका आंसर। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो पॉइंट m है वो ये k इज इक्वल टू 1/5 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/5 के फॉर्म में इसको कट कर रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे 1 जम k
तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि ये जो पूरा है वो 1 जम 5 के अंदर इसको कट कर रहा है, तो यहां पे 1 हो जाएगा और यहां पे 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। याद रखना है कि जब कोई लाइन एक्स और वाई एक्सिस को टच करती है तो जो वाला पॉइंट 0 होगा उसको ही आप सॉल्व करो। यहाँ पे एक्स 0 था, इसे मैंने एक्स का फॉर्मूला लगाकर पूरी वैल्यू को सॉल्व किया। ठीक है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी, अदरवाइज कंसेप्ट आसान है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बहुत सारी। प्रैक्टिस आप करोगे तो ही आपको ये क्वेश्चन के कंसेप्ट समझ में आएंगे और आपकी इसके अंदर अच्छी ग्रीप आ जाएगी, तो आपको फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट और हमारे आखिरी वीडियो के अंदर, हम इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ख़त्म करेंगे और नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे आगे। साथ साथ में हमारी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो प्लेलिस्ट है उसको पूरा देखिए, बार बार एक वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि आपको रिवीजन होता रहे और एक ग्रीप आ जाएगी आपके अंदर कि चलो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा और आप कर भी लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।